नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद मोरीगांव जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जिले के कम से कम 105 गांव प्रभावित है और मोरीगांव जिले में 3,059 हेक्टेयर से अधिक फरसल क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूब गया है। दिल्ली में होने वाले G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने पर संशय है। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग भारत आ सकते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज से 2 दिन की मुंबई में बैठक है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें गठबंधन के संयोजक पीएम पद का फेस और 2024 चुनाव की रणनीति शामिल है। अदानी ग्रुप पर एक बार फिर संकट छाया है। एक नई रिपोर्ट में कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और दावा किया गया है कि अदानी फैमिली के भागीदारों ने शेयरों में निवेश करने के लिए अपारदर्शी फंड का इस्तेमाल किया है। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक से पहले एक बड़ी मांग की है। उन्होंने शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की मांग रखी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चल रही तनातनी के बीच रोहिणी खड़से को एनसीपी के प्रदेश महिला अध्यक्ष बनाया गया है। रोहिणी खड़से को विद्या चौहान की जगह प्रदेश महिला अध्यक्ष बनाया गया है। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि घमंडिया अलायंस का एजेंडा है। मिनिमम प्रोग्राम मैक्सिमम प्रॉफिट, ये राजनीतिक दल 20 लाख करोड़ घोटाले के लिए जिम्मेदार है। एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। राखी हाल ही में उमराह करने के लिए मक्का गई थी। उमराह करने के बाद राखी मुंबई वापस आ गई और एयरपोर्ट पर उनका खास तरह से स्वागत हुआ। शाहरुख खान के जवान को रिलीज में अभी करीब 1 हफ्ता बाकी है, लेकिन फिल्म को लेकर फैंस में गजब का क्रेज नजर आ रहा है। लंबे वक्त से ट्रेलर का इंतजार कर रहे फैंस अब बेसब्र हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए फैंस अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं। रक्षाबंधन पर एक बार फिर फैंस के दिलों पर सनी देओल का जादू चढ़ गया। गदर 2 ने रिलीज के 20वें दिन बम्पर कमाई करते हुए शाहरुख खान की पठान और बाहुबली को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।